दोस्तों, आर्यन खान गिरफ्तार होने के बाद में उन्होंने एनसीबी को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान, जो कि इस टाइम एनसीबी की कस्टडी में हैं, उन्हें ड्रग्स लेते पकड़ा गया है और उन्हें जो कि 7 अक्टूबर तक जो कि एनसीबी कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट में एनसीबी को बहुत बड़ी धमकी दी है और धमकी देने के बाद अब एनसीबी की निगाहें आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट करने के लिए पूरी तरीक़ा से तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान इन दिनों जैसे ही उनको पकड़ा गया, तुरंत ही बॉलीवुड एक हो गया और बॉलीवुड हर कोई आर्यन खान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। बीती रात सलमान खान भी और सुनील शेट्टी भी, पूरे सदस्य जो कि सलमान खान और सुनील शेट्टी बहुत ज़्यादा सदस्य है जो कि शाहरुख खान के घर पर दिखे थे, मन्नत में आए थे और सुनील शेट्टी ने तो ये तक बोल दिया कि बालक हैं, गलती हो जाती हैं। लेकिन बालक को अच्छे संस्कार देने या बुरे संस्कार देने, कहीं ना कहीं हम जिसे आइडल मानते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। हम कहीं ना कहीं इन लोगों को अपना आइडल्स मानते हैं और इनकी औलाद इतनी घटिया हरकत करती है, वाकई में सेम है ऑन यू। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीक़ा से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनसीबी को धमकी दी है कि मैं चाहूं तो पूरी का पूरा शिप खरीद सकता हूं, तो मुझे ड्रग्स बेचने की या लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने एनसीबी को धमकी दी है, अब एनसीबी इस चीज़ से पूरी तरीक़ा से आर्यन खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि आर्यन खान के खिलाफ होने के बाद अब शाहरुख खान ने देश के जो कि अच्छे वकीलों की लिस्ट है वो टोटल अपने बेटे को छुड़ाने के लिए लगा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आर्यन खान को किस तरीक़ा से बेल मिल पाती है, क्योंकि पूरी कोशिश चल रही है कि आर्यन खान को जो सिप पे पकड़े गए थे उनको हर तरीक़ा से बेल प्रोवाइड की जा सके। लेकिन एनसीबी ने फ़िलहाल अभी उन्होंने कोर्ट में समय मांगा है और कोर्ट ने उनको 7 दिन का समय दिया है एनसीबी टीम को कि 7 दिन में वो सिप पर क्या क्या चल रहा था और आर्यन खान का इन सब में क्या रोल है, इन सभी की जानकारी फ़िलहाल चल रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनसीबी अपनी पूरी खोज निकाल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि जब एनसीबी की खोज पूरी हो जाएगी तो एनसीबी एक अपना नया फैसला लेती नज़र आएगी। अभी तक तो देखा गया है कि बॉलीवुड की काफ़ी टीम जो कि आर्यन खान के साथ खड़ी नज़र आ रही है और आर्यन खान जैसे ड्रग्स स्मगलर को जो कि बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुनील शेट्टी के बयान के बाद में अब सुनील शेट्टी को घेरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। डाउट है कि कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी खुद अपनी बेटी को ड्रग्स तो नहीं दे रहे, क्योंकि सुनील शेट्टी जैसे इंसान से उम्मीद नहीं थी कि एक ड्रग्स स्मगलर को वो बचाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वाकई में देश में काफ़ी बड़ा आक्रोश है इस समय कि किस तरीका से शाहरुख खान के बेटे को बचाने की साजिश चल रही है। आप लोगों को बता देता हूँ, हाल ही में सलमान खान भी कल मन्नत गए थे जो कि शाहरुख खान से मिले थे, क्योंकि सलमान खान, जाहिर सी बात है, सलमान खान अपना जेल का एक्सपीरियंस शेयर करने गए होंगे कि जेल में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कैदियों के लिए खाली जेल ही एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में इस समय माफिया राज चल रहा है, हमारी उम्मीद से बॉलीवुड को बायकॉट कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर कीजिए।